Hello children and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to complete chapter 1 of your history portion. So in previous two videos we have learnt about studying the past. This is our chapter 1, studying the past. Okay, in this we were learning about the history, prehistory, medieval period, proto-history, टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री. ये सारे टॉपिक्स हम पिछले वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं. इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दीज टॉपिक्स प्लीज़ गो टू माई प्रीवियस वीडियोज़ एंड लर्न वॉट आई हैड एक्सप्लेन्ड इन दीज टू वीडियोज़. सो इन प्रीवियस वीडियो आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द डेट्स इन हिस्ट्री एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इज़ द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द today's video. Okay, how do we find out about something that took place thousands of years ago? We learn about it from the remains which people of that time have left behind. यानी कि हज़ारों साल पहले कोई चीज़ थी उसके बारे में हम कैसे जान पाते हैं? अगर उसका कोई भी लेफ्ट पार्ट छूट जाता है पीछे, या जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो छोड़कर जाते हैं, उससे हम आइडिया लेते हैं कि ऐसी चीज़ इतनी पुरानी है ये, ठीक है ना. आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस स्टडी दीज रिमेन्स. और जो वो चीज़ें प्राप्त होती हैं डीप अंडर द ग्राउंड, है ना, तो उनके बारे में फिर स्टडी की जाती है आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के द्वारा. द वर्क ऑफ एन आर्कियोलॉजिस्ट एंड अ हिस्टोरियन इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ डिटेक्टिव. जिस तरीके से एक जासूस वर्क करता है, डिटेक्टिव होता है जो जासूसी करता है, किसी भी केस को सॉल्व आउट करता है ना, क्ल्यूज से वो सारी चीज़ें ढूंढ निकालता है, उसी तरीके से जो हिस्टोरियंस होते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनका भी सेम वर्क होता है. जस्ट एज अ डिटेक्टिव सॉल्व्स अ मिस्ट्री, जो भी रहस्य होता है उसको कौन सॉल्व करते हैं, कौन करते हैं, डिटेक्टिव्स. विद द हेल्प ऑफ क्लूज आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द पास्ट विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल क्लूज. यानी कि जो भी चीज़ें डेड रिमेन होती हैं या बहुत पुरानी होती हैं, जो भी मिलती हैं, उन सभी से पता लगाया जाता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है. दे लुक एट क्लूज सच एज अ पीस ऑफ राइटिंग, अ वॉल पेंटिंग और इवन सम ब्रोकन पॉट्स. कोई बर्तन टूटे फूटे प्राप्त होते हैं उनके बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं. फ्रॉम दीज दे स्लोली पुट टुगेदर द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड. और फिर उनसे वो पता चला लेते हैं कि ये जो वस्तु है, थिंग है, वो कितनी पुरानी है और किस पीरियड को बिलोंग करती होगी. ओके, दीज सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड टू टू टाइप्स. हिस्ट्री के टू सोर्सेज होते हैं जिनको आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी में डिवाइड किया गया है. योर फादर इज टेकिंग यू टू मीट हिज फ्रेंड हु इज़ एन आर्कियोलॉजिस्ट. प्रिपेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क हिम. आपको क्या करना है, आपके सपोज करना है कि आपके फादर आपको एक आर्कियोलॉजिस्ट के पास ले जा रहे हैं मिलाने के लिए, तो आपको एक लिस्ट तैयार करनी है कि आप उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे पुराने टाइम के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. ओके, नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जो डायरेक्ट एविडेंस होते हैं, यानी कि उनको देखने से ही उस चीज़ के बारे में या उसका जो भी रेस्ट पार्ट है उस सब के बारे में एक आइडिया लग जाता है, हम उस चीज़ को पहचान जाते हैं. जैसे कि मॉन्यूमेंट्स होते हैं, कोई इमारत होती है उसको देखकर ही पता चल जाता है वो कितना पुराना है ना. कॉइन्स होते हैं एट्सेट्रा. इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन होते हैं रिटन रिकॉर्ड्स. जैसे पहले कॉपियां तो चलती नहीं थी, बुक्स एंड नोटबुक्स, तो रॉक्स, चट्टानों पर, पत्थरों पर, गुफाओं में, मेटल पिलर, खम्भों पर, मंदिरों की दीवारों पर, यहाँ सब जगह लिखा जाता था या कुछ ड्रॉ किया जाता था. वेरी ऑफन किंग्स गॉट द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन देयर रीक एंड देयर अचीवमेंट्स इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड रीड दैम. और फिर लोग दीवारों पर जगह जगह पेंटिंग बनाया करते थे, लिखा करते थे जो भी उनके मन में विचार आते थे, तो जिससे कि अब वो लिखा तो कुछ नहीं करते थे, ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन जो भी उन्होंने देखा अपनी क्रिएटिविटी उन सबको ड्रॉ किया करते थे, जिससे कि
आइडिया लग जाता था। एम्परर अशोका ऑफ द मौर्यन डिनेस्टी पुट अप अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर। जो मौर्यन डिनेस्टी के एम्परर थे अशोक, उन्होंने भी बहुत जगहों पर इंस्क्रिप्शन किया, यानी कि दीवारों पर, रॉक्स पर, इन सभी जगह क्रिएट किया। वी नो सो मच अबाउट हिम लार्जली थ्रू दीज इंस्क्रिप्शन। और अशोका के बारे में, एम्परर अशोका के बारे में हम इन्हीं इंस्क्रिप्शंस को देखकर उनके बारे में काफ़ी कुछ जान पाते हैं। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? बिल्डिंग्स होती हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, जिनके पीछे कुछ ना कुछ बात होती है। वो क्यों बनाए गए, कहाँ पर बनाए गए, कब बनाए गए, कौन सी डेट में उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, लाइक दिस। ठीक है, फिर उनके पीछे साइंस भी होता है, उसकी डीप स्टडी की जाती है कि किस मटेरियल से उसको बनाया गया है, और वो सारी चीज़ें आप निकाल कर देख सकते हैं। दे टेल अस अबाउट द पीरियड इन विच दे वर बिल्ट, यानी कि उनको कब बनाया गया, तब कौन सा पीरियड था, कौन सा काल था, ये भी हमें मॉन्यूमेंट को देखने से आइडिया लग जाता है। आर्ट फैक्ट्स क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट दैट ह्यूमंस मेड इन द पास्ट, पुराने समय में जितनी भी चीज़ें लोगों ने बनाई वो आर्ट फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन, टूल्स जैसे औजार, ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण, मेटल ऑब्जेक्ट्स यानी कि कोई भी मेटल से बनी हुई वस्तुएँ, ज्वेलरी, वेपन्स होते हैं हथियार, ये सभी आर्ट फैक्ट्स कहलाते हैं। उस समय स्टोन से, पत्थरों से भी टूल्स बनाए जाते थे, वेपन्स बनाए जाते थे। दे आर फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन द कोर्स ऑफ एक्सकेवेशंस, यानी कि जब बहुत सारी चीज़ें मिली आर्कियोलॉजिस्ट को, तो वहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स भी मिले। कॉइन्स आर एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉइन्स से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। जैसे आप आज के टाइम का एक कॉइन देखते हैं तो उस पर भी ईयर लिखा होता है कि वो किस ईयर में बनाया गया है। दे टेल अस अबाउट द रीगनिंग पीरियड्स ऑफ किंग्स, और कब कौन से किंग की जो तस्वीर होती थी, पिक्चर होती थी, वो बनाई जाती थी, इससे भी हमें आइडिया हो जाता है। जैसे 500 रुपीज़ के नोट पे क्या बना होता है, रेड फोर्ट, तो हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं। दे टेल अस अबाउट द रीगनिंग पीरियड ऑफ किंग्स, द इकोनॉमी ऑफ द किंगडम, द एक्सटेंट ऑफ अ किंग्स एम्पायर, एंड अबाउट ट्रेड विद अदर रीजन्स। ओके स्टूडेंट्स, लिटरेरी सोर्सेस क्या होते हैं? हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट, यानी कि जब लोग लिखना पढ़ना जानने लगे तब लोग अपने पुराने या जो भी जिसने टाइम देखा हुआ था उसके बारे में वो लिखा करते थे, रिकॉर्ड बनाया करते थे, जिसको क्या कहा गया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। दीज वर यूजली रिटन ऑन पाम लीव्स, पत्तियों पर लिख देते थे, पेड़ पर लिख देते थे। ड्यू टू देयर फ्रेगाइल नेचर मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड, दोज दैट हैव सर्वाइव्ड हैव हेल्प्ड अस टू नो मोर अबाउट द पास्ट। लेकिन वो पेड़ तो हमेशा बना नहीं रहेगा जिस पर किसी ने लिखा हुआ था, तो बहुत सारी हिस्ट्री हमारी ऐसे डिस्ट्रॉय भी हो गई। लिटरेरी सोर्सेस क्या होते हैं? टू टाइप्स से डिवाइडेड किए जाते हैं, रिलीजियस एंड सेक्युलर। रिलीजियस लिटरेचर क्या होते हैं? राइटिंग्स विद डील विद रिलीजन आर कॉल्ड रिलीजियस लिटरेचर, यानी कि वो चीज़ें जो लिखी जाती हैं अगर वो धर्म से रिलेटेड हैं, रिलीजन से रिलेटेड हैं, तो वो रिलीजियस लिटरेचर होते हैं। जैसे कि वेद होते हैं, रामायण, महाभारत, गीता, ये सभी क्या हैं, धर्म से जुड़े हुए शास्त्र हैं, तो इनको रिलीजियस लिटरेचर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सेकुलर लिटरेचर, राइटिंग्स विच आर नॉट रिलीजियस आर कॉल्ड सेकुलर लिटरेचर्स, यानी कि जो राइटिंग स्किल्स होती हैं अगर वो रिलीजन से जुड़ी हुई नहीं है तो वो सेकुलर लिटरेचर होता है। दीज इंक्लूड, उसमें स्टोरीज होती हैं, पोएम्स होती हैं, प्लेस, बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, जैसे हमारी भी बुक्स होती हैं, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एंड बुक्स ऑन पॉलिटिक्स एंड साइंस, यानी कि जो भी बुक्स हम पढ़ते हैं वो कैसी हैं, सेकुलर लिटरेचर, कैसी हैं, सेकुलर लिटरेचर। ओके, द अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, द इंडिका बाय मेगस्थनीस,
द प्लेज एंड पोएम्स ऑफ कालिदास, द अकाउंट्स ऑफ फाहिन एंड ह्यून सांग एंड द संगम लिटरेचर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेकुलर लिटरेचर रिटन ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। यानी कि बहुत पहले जो किताबें लिखी गई, जो स्टोरीज पोएम ये सारी चीज़ें लिखी गई, उनमें से कुछ नेम है जैसे कालिदास की कविताएं, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, इंडिका जो मेगास्थिन्स के बारे में लिखा गया, मेगास्थिन्स ने लिखा, ठीक है ना। तो ये सारी क्या हैं, सेकुलर लिटरेचर हैं, बिकॉज क्योंकि ये रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड हेयर। नाउ यू ऑल आर आस्क्ड टू कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ सेम चैप्टर इन योर बुक एंड सेंड इट बैक टू माई पर्सनल नंबर। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।